कुराए अर्ज़ पर इंसानों की तादाद 7 अरब से तजावज़ कर चुकी है। इस कुराए अर्ज़ पर 7 बरेआज़म हैं जिनको 242 ममालिक में तकसीम किया गया है। दुनिया की कसीर आबादी वाले ममालिक चीन, इंडिया, अमरीका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील हैं। इनके बाद 6 नंबर पर पाकिस्तान आता है। इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान की कुल आबादी 17,94,18,000 है। हुकूमती अदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का 1.6% हिस्सा यानी 28 लाख नफूस का ताल्लुक दीन मसीहत से है। पाकिस्तान को 4 सूबों में तकसीम किया गया है जिनमें आबादी के लिहाज से सूबा पंजाब का शुमार अव्वल नंबर पर आता है। सूबा पंजाब के बड़े शहरों में जिला शेखुपुरा का भी शुमार किया जाता है। शेखुपुरा की बुनियाद मुगलिया शहंशाह जहांगीर ने रखी। इसके तारीखी मुकामात यानी हिरन मीनार, किला शेखु मुगलिया सल्तनत की याद ताज़ा करते हैं और दरबार पीर वारिस शाह ने इस शहर को शोहरत दुआम बख्शी और इसके साथ साथ शहर में कदीम गिरजाघर इस बात की जमानत है कि दीन मसीहत की तारीख इस शहर में कदीम है। शेखुपुरा की कुल आबादी 6,57,000 है। एक अंदाजा के मुताबिक जिला भर में मसीहियों की कुल तादाद 1,50,218 है। मसीहियों की आबादियां बस्ती बलोचावाली और गलोरिया कॉलोनी शहर भर में मशहूर है। चर्च ऑफ पेंटिकॉस्ट पाकिस्तान की टीम ने लोकल चर्चेस के साथ मिलकर एक रोजा कन्वेंशन का 28 मार्च 2012 को गलोरिया कॉलोनी में इनेकाद किया जिसमें जिला भर के मसीहियों की कसीर तादाद ने नहायत गर्म जोशी से शिरकत की और खुदावन के खादम पादरी डॉक्टर जमील नासिर ने तस्लीब कयामतुल मसीह के उनवान पर पैगाम दिया जिससे लोगों ने ईमान की मजबूती, नजात, शिफा और रूहुल कुदस के तजर्बात को हासिल किया। हमारा मजमून है तस्लीब कयामतुल मसीह। मर कर जिंदा होने को कयामत कहते हैं। बोझ से दबे हुए लोगों सब आकर जिंदगी, कयामत और जिंदगी, मेरा चुआ मुलायम और मेरा बोझ। और जब तक मेरे यस्सु का सूरज चांद सितारे चेहरा नहीं देख लेते उनके अंदर नूर नहीं आता। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जान देने का और इसे फिर वापस लेने का। शहर के बेवा के बेटे को किसने जिंदा किया और 4 दिन के मुर्दे को किसने जिंदा किया। जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है वो खुद भी जिंदा होने की कुवत रखता है। जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? यहाँ कब्र के अंदर नहीं बल्कि खत्म हो जाएंगे लेकिन मेरे आका पर अब मौत नहीं आएगी। किताबे मुकद्दस की तलावत सुनेंगे। पौलुस रसूल का पहला खत करिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 15वां बाब और उसकी 1 आयत से। अब भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है बशर्ते वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी।
कि मसीह किताब मुकदस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकदस के मुताबिक जी उठा। और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से जायद भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे जो मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पदाइश हूं, दिखाई दिया। किताबे मुकदस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत का सबब हो, आमीन। किताबे मुकदस में से जो आज हम सबों ने तलावत की और आपने बड़े ईमान के साथ इस तलावत को समाप्त फरमाया, हमारा मजमून है तस्लीब क़यामतुल मसीह। तस्लीब हकीकत में अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है किसी को मसलूब करना या सलीब देना, और क़यामत का मतलब है क़याम करना या मुर्दों में से जिंदा होने का नाम क़यामत है। अब इसको हम यूं कहेंगे, किसी शख्सियत को मसलूब करना और मसलूब करने के बाद उसका मुर्दों में से जिंदा होने का नाम तस्लीब क़यामतुल मसीह है, यानी यस्सु मसीह का सलीब दिया जाना, और फिर सलीब दिए जाने के बाद उसका मुर्दों में से जिंदा होने का मतलब है, मजमून है तस्लीब क़यामतुल मसीह। इसका मफहूम है कि मसीह को सलीब दिया गया और सलीब दिए जाने के बाद कब्र के अंदर उसे रखा गया, और कब्र के अंदर रखने के बाद तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गए। जिंदा होने का नाम क़यामत है। लोग क़यामत समझते हैं कि भूचाल आ जाना, जलजला आ जाना, अमवात हो जाना, लोगों का मर जाना, इस चीज को लोग क़यामत समझते हैं। हालांकि क़यामत इस चीज का नाम नहीं, क़यामत का मतलब है मर कर जिंदा होने को क़यामत कहते हैं। और एक शख्सियत है जो मर कर जिंदा हुए, जो सलीब पर दी गई, और उसके लिए आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं। और हमारी जो मरकजी आयत है, मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मर गया, और सिर्फ मुआ नहीं बल्कि लिखा है कि इस मरने के बाद वह दफन किया गया, और दफन करने के बाद वह जिंदा हो गया। अब सबब क्या है तस्लीब का? तस्लीब की वजह तस्मिया क्या है? तस्लीब